ललित पर्व के तीसरे दिन की प्रस्तुतियों का आइए रसास्वादन करें। आज आप सुनेंगे मध्य प्रदेश की बघेली, मालवी और बुंदेली लोक परंपरा में रचे बसे गीतों के साथ ही चंबल क्षेत्र में प्रचलित कुछ पारंपरिक गीत। व्याख्यान होगा श्री कैलाश चंद्र पंत का, विषय है श्री कृष्ण का समग्र व्यक्तित्व। Thank you.
तो देखो भैया, श्री कृष्ण भगवान राधकालो मिलवे की लाने कैसे जा रहे हैं? सुनो अपन सभी ने कि बन गए नंद लला गोद नारी गोद ना गोदत प्यारी रे, बन गए नंद लला रे गोद नारी गोद ना गोदत प्यारी रे। लहंगा पेरे चूनर पेरे गोटा जड़ी के नार, गजर लगा हाथ धोने नन में मिटा लही हाथ नार, बेसोरे हाँ पहन लियो है नथ बेसोरे हाँ पहन लियो है, बन गए नरसेना बन गए नंद लला गोद नारी गोद ना गोद आलो प्यारी। नंद को लाला बनो लोगाई बरसाने में जा, नंद को लाला बनो लोगाई बरसाने में जा, मोर पपीरा गोद देखो ऐसी तेरे और तेरत जा रहे और रूप धरे हैं नारी को और जा रहे राधा लो और देखो आगे मान सुता को सब सखियन के बीच बैठ के राधे नहीं गोदवार, और पहुंचते बुला लो सखियन ने और सखियां बैठी हैं और बीच में बैठी राधा। तो देखो आप लोग सब सखियन के बीच में बैठी राधा नहीं गोदवार, सूरज मोर पपीरा बिछुआ नहीं बनवा, और गोदत में हरि श्याम पकड़ गए राधा तीनों बन गए नंद लला रे गोद नारी गोद ना गोद आलो प्यारी। गोदना गोदत में सहियन ने जब चीनो कन्हैया को तो देख के तारी हसन लगे, और देखो उस समय की बात का कहने देखे तारी सस में सखिया घूंघट में दे छो,
हसे में सखिया देखत घूंघट छो गुब नारी की मुइया देखने उठावे धुतिया छो ऐसी प्रीत करे गरे धारी ऐसी प्रीत करे गरे धारी राधा जी से रे वो बन गए नदलाला गोद नारी गोद नागोदालो सुंदर तरीका से पकड़ गए कन्हैया को को हसे बे को नाचत को सोर मचा इतनी आनंदित हो गई को हसे बे को सोबे को नाचे नचा गोदत में हा हरी Thank you.
अष्टम वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व कृतित्व, उनके जीवन शैली और उनका जीवन दर्शन, इसको लेकर कुछ बातचीत आपके साथ करूं। यह तो हम सब जानते हैं कि भारत के लोक जीवन में रचे बसे तीन महत्वपूर्ण आस्था केंद्र हैं। एक श्री राम, श्री कृष्ण और शिव। इन तीनों आस्था केंद्रों में सर्वाधिक आकृष्ट करते हैं कृष्ण के व्यक्तित्व, उनके चरित्र की कथाएं जो हमारे जीवन में रज और बस गई हैं। हम इस बात की चिंता नहीं करते कि वे इतिहास में कभी हुए या नहीं हुए, वे इस धरती में जन्मे या नहीं जन्मे, यह हम कभी विचार नहीं करते। हम यह जानते हैं कि हमारे रग-रग में, हमारी हर सांस में वो बसे हैं। हम उन्हें अवतारी पुरुष मानते हैं, कुछ हैं जो महापुरुष भी मानते हैं, लेकिन सब किसी न किसी छवि से आकृष्ट होकर कृष्ण की ओर जरूर दौड़ते हैं। अगर समस्या का समाधान हो लेना हो तो गीता याद आती है, यदि मनोरंजन करना हो तो कृष्ण की बाल लीलाएं याद आती हैं, वह वृंदावन का रास याद आता है जिसे हमारे भक्त कवियों ने कितने सजीव रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन हजारों वर्षों से कृष्ण के जीवन का एक-एक छवि हमारे साथ प्रत्यक्ष होती है। ऐसा लगता है जैसे हम उसी आनंद में विभोर हो रहे हैं जो आनंद त्रेता युग द्वापर युग में गोपियों ने लिया था, वही रसानुभूति हम भी करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि पूरे देश में ही नहीं, विश्व के अनेक हिस्सों में कृष्ण भक्ति चरम पर है। मैं सबसे पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण एक अद्भुत व्यक्तित्व है, उनकी अनेक छवियां हैं, बालपन से लेकर अपनी लीला के समापन तक वे अनेक चमत्कार करते हैं, और जो चमत्कार वो करते हैं वो हमें मोहित करता है। यह कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहिए, या हम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहिए, कि हम श्री कृष्ण के जीवन में वह सब कुछ पा लेते हैं जिनसे हमारा जीवन संचालित होता है, जो मनोभाव हमारे मन में आते हैं हम उन सब को अपने मन में उतारते चलते हैं और उस रस में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण को अनेक विविधता के कारण यह माना गया कि वह 16 कलाओं के अवतार थे, अर्थात पूर्ण अवतार। यह कृष्ण को ही पूर्ण अवतार माना गया है। श्री कृष्ण कारावास में जन्मे, जन्म लेते ही पिता और माता से बिछोड़ना पड़ा, और पहला चमत्कार तो जन्म लेते ही यह होता है कि कारागार के द्वार खुल जाते हैं। अब कैसे खुले इस पर हम नहीं जाते, इसके तार्किकता पर हम नहीं जाते, हम ये मानते हैं कि यह ईश्वरीय चमत्कार था, कृष्ण का चमत्कार था और खुल जाते हैं। नंद बाबा टोकनी में उस नवजात शिशु को लेकर गोकुल जाते हैं। होता क्या है कि बारिश हो रही है, यमुना नदी उफान पर है, और एक अजीब विचित्र स्थिति है कि टोकनी तक पहुंच गया पानी। नंद बाबा भी घबरा गए होंगे कि आज तो शायद ये जीवन बच नहीं पाएगा, लेकिन नहीं, यमुना स्पर्श करती है उनके चरणों का और पानी उतरना शुरू हो जाता है। ये पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार,
पहुंच जाते हैं सुरक्षित। कई तरह की विपदाएं उस समय भी आती है, उन सबका चित्रण बहुत अच्छा भक्त कवियों ने किया है। लेकिन बाल क्रीड़ा कैसे शुरू होती है कि मक्खन चुराते हैं, बच्चों को ग्वाल बालों को एकत्रित करते हैं और बाद में बड़े होने पर वे उन हंडियों पर पत्थर कंकड़ फेंककर फोड़ते हैं जिनमें दूध और दही और घी गोकुल से निकलकर बाजार की तलाश में मथुरा जाता था बिकने। ये कैसे हो सकता था कृष्ण के जीवन में, सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये एक तरह का प्रतिरोध विद्रोही स्वरूप उनका सामने आता है। फिर नटखट बालक कृष्ण जिस समय बच्चों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलने जाते हैं तो वहां पर उन्हें बलराम जी कुछ चढ़ाते हैं कि तू यशोदा का जाया नहीं है, वो तेरी माँ नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो वो शिकायत करते हैं आकर माँ से, कितने भोले ढंग से कितनी बड़ी बात कहते हैं, मैया मोही दाऊ भूख जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, कहा कहूं इह रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता कौन तुमरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसे बाल सब बाल सखा, सिखे देत बलवीर। बलवीर की की शिकायत कर रहे माँ से। अब माँ परेशान कि इस शिकायत का क्या करें, तो कहती है कि तू मोही, वो एक और बड़ी बात कहते हैं, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबू न खीजे, मोहन को मुखर समेत लकी, जसुमती सुनी सुनी रीझे। यानी शिकायत में साफ साफ माँ पर भी आरोप लगा रहे हैं यशोदा पर कि तू कभी दाऊ को तो कुछ नहीं शिकायत डांटती डपटती, मुझे ही हर बार टोकती रहती है। अब उनकी इस भोली शिकायत पर क्या करती यशोदा, मोहन को मुख रिस समेत जसुमती सुनी सुनी रीझी और क्या कहती है, सुनहु कान बलभद्र चवाई। तो बचपन का ही ऐसा है, झगड़ा पैदा करता है, जन्मत ही को धूत, जन्म से ही ऐसा धूर्त है, सूर श्याम गोधन सो, सूर श्याम मोहि गोधन सो, हो माता तू पूत। अब शपथ लेकर कहना पड़ रहा है कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है। हमारे देश के कवियों का मन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कितना रमा यह इससे पता चलता है। यह सूर की पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, तभी तो आश्चर्य होता है कि जन्मांद सूरदास दृष्टिविहीन व्यक्ति कैसे वो देख पाया बाल लीलाओं की इन सूक्ष्म चीजों को, कैसे पकड़ पाया और कितने सुंदर ढंग से उसको अपने गीतों में रस में पगा कर प्रस्तुत कर दिया। इन पदों को पढ़ते सुनते हुए हम द्वापर युग में स्वयं पहुंच जाते हैं और बाल लीलाओं का कृष्ण की आज तक भी उतना ही आनंद लेते हैं। अलग अलग जो मंदिर हैं उनमें आपने देखा होगा, कहीं झूले में है नंदलाल, कहीं बांसुरी बजाते हुए हैं ब्रज कदंब वृक्ष के नीचे नंदलाल, कहीं गोपियों से रास रचाते हुए हैं कृष्ण कान्हा, कहीं गाय
चराते हुए अपने वो सारे बंधुओं के साथ, सखाओं के साथ जंगल में बंसी बजाते हुए मुरली और कृष्ण जैसे एक दूसरे से एकाकार होकर हमारे सामने आते हैं। तो कृष्ण के कभी सुदर्शनधारी कृष्ण आते हैं, कभी रथ पर सारथी अर्जुन के सारथी बने कृष्ण आते हैं, कभी गोवर्धन गिरधारी कृष्ण हमारे सामने आते हैं। यानी यस व्यक्तित्व के इतने अनेक रूप श्री कृष्ण के प्रारंभ से ही देखने को मिल जाते हैं, जिससे लगता है कि अगर लोकमानस में कृष्ण की छवि अंकित है तो उसका कुछ न कुछ कारण तो है। श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत में भक्ति की शुरुआत मानी जाती है और उसकी कथा ने पूरे देश में कृष्णमय रंग घोलकर जैसे डाल दिया, और भक्त कवियों ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भागवत के अनुसार ही कृष्ण कथा कही है। केवल देश में ही नहीं, विदेश के आजकल आप देख रहे होंगे, आप पिछले कई वर्षों से देख रहे होंगे, कई विदेशी यज्ञोपवीत धारण करके माथे पर तिलक, चंदन तिलक लगाकर और नाचते झूमते हरे कृष्णा कहते हुए नाचते झूमते जाते हैं सड़कों पर। यह प्रभाव साधारण प्रभाव नहीं है, यह कुछ अद्वितीय है अपने आप में। इसीलिए कृष्ण तीनों हमारे लोक आस्था के केंद्रों में कुछ अलग हैं, उनके इस अलगाव को ही हमें समझना होगा। लेकिन श्री कृष्ण की बाल लीला ही अनूठी नहीं है, बड़े होते हैं तो बाल सखाओं को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ खेलते हुए उनमें साहस पैदा करते हैं, संगठन करने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। साहस कैसे पैदा हो, तो यमुना नदी के किनारे रहने वाले, वास करने वाले कालियानाग का जहर वहां था मौजूद, वहां कोई जाता नहीं था इस डर के मारे, कालियानाग के भय के कारण जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह भय दूर करना चाहिए। तो कब साथियों में साहस कब आता है, सिर्फ बोल कर नहीं आता। कृष्ण का कृतित्व है कि वो कूद पड़ते हैं और उसका दहन करके, उसका दमन करके मत कर उसको वापस निकल आते हैं। तो कितना अपने एक समूह को साहसिक बनाने के लिए कृष्ण किस तरह का प्रयोग करते हैं, यह देखने की बात है उनके जीवन में। ऐसे ही प्रयोग आपको आगे भी मिलेंगे जब आप कृष्ण के जीवन की अन्य लीलाओं पर विस्तार से विचार करेंगे। अब गोपियों को वृंदावन से पहुंचते हैं छोड़कर मथुरा पहुंच गए कृष्ण, लेकिन उनके हृदय में उनका स्मरण हमेशा बना रहा। जानते थे कि विरहिणी गोपिकाएं मेरे मुझ में ये न पाकर अपना सुदबुद्ध भूली बैठी है, और इधर उनके मित्र उद्धव ज्ञान मार्ग की बात कृष्ण को बताते थे जब वे उनकी भक्ति की चर्चा करते थे। तो तब श्री कृष्ण सोचते हैं कि नहीं, उद्धव को भी कुछ भक्ति के बारे में और समझना चाहिए कि भक्ति होती क्या है, ये इसको प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि देखो उद्धव, मेरे कहने से तो मानेंगे नहीं, न माना, तुम जाओ और उनको ज्ञान दो कि ये इस भ्रम में मत पड़ो, इस मोह को छोड़ो। तो उद्धव पहुंचते हैं कि उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व है, उस गर्व के साथ वो पहुंचते हैं वृंदावन। वहां गोपिकाएं उन्हें मिलती हैं, उनसे वो उन्हें समझाते हैं। तो गोपी कहती, गोपियां सहज भाव से पूछ लेती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हासी हामी हामी हंसी समुझाए सौह दे बूझती साँच न हाँसी। हम पूछ सौगंध दे के कहती है कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं,
तो सच में हम चाहते हैं कि तुम समझाओ कि तुम्हारा कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, उसके माँ पिता किस प्रिया, इन सब के बारे में हमें कुछ जानकारी दो तो हम मानेंगे तुम्हारी बात। कैसो वरन भेसो भेस है कैसो, और वही रस में अब किस रस की अभिलाषा करता है, कि यह पूछती है। अब क्या जवाब दे, पावेगा पुन क्यों आपने, पावेगा पुन क्यों आपनो, जोरे कहे गो घासी, सुनत मौन रहो ठग्यो बूर, सब मति नासी। तो उसका सारा ज्ञान धरा रह गया और गोपिकाएं उससे पूछते, उसके प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर था ही नहीं, तब वे यही नहीं रुकती, आगे कहती हैं, ठीक है आप जो कह रहे हो हमने उस बात मान ली, स्वीकार कर दिया, ऐसा कुछ होता होगा, पर सवाल यह है कि तो आपने कहा कि उस ब्रह्म को, उस ईश को मन लगा कर ध्यान में लाओ, तो मन की जरूरत है ना, तो उधो मन नाही दस बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। अब बताओ, अब मन हो हमारे पास कोई बचा हुआ तो हम उसकी आराधना करें, उस ईश्वर की जिसको आप बता रहे हो, वो मन ही नहीं रहा। अब यह समर्पण गोपिकाओं का किसी भी ज्ञानी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, जो निराकार की बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं। आप देख, इसमें आपको मूल बात ये समझनी होगी कि ज्ञान की परंपरा गलत नहीं है, लेकिन वह ज्ञान पात्रों के लिए, और ऐसे सब लोग पात्र नहीं हो सकते। इस विशाल देश में व्यापक रूप से भक्ति, धर्म, कर्म, ज्ञान, इन सब की विवेचना करने का अवकाश नहीं है। बुद्धिजीवियों के लिए ठीक है कि कृष्ण के कर्मवाद, ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग पर हम बात करें, लेकिन आम व्यक्ति की बात सोचिए कि इस भारत भूमि का प्रत्येक जन, जिसे हम अशिक्षित मानते हैं, पिछड़ा हुआ मानते हैं, जो दूरस्थ गांवों में, वनांचलों में रहता है, वह भी कृष्ण भक्ति में रमा रहता है। उसके लिए कृष्ण कौन है, कैसे हैं, ये प्रश्न ही नहीं है। उसे मालूम है कि एक पूर्णावतार कृष्ण हैं, जिनकी हम आराधना करके वह सब कुछ पा सकते हैं जो इस जीवन में चाहते हैं। तो ये बात कहते हैं कि, और फिर अंत में गोपियां यह कहते हुए उसे निरुत्तर कर देती हैं, तो हम माने बात तुम्हारी, अपना अपनों ब्रह्म दिखावहु उदो मुकुट पीताम्बर धारी। हमें अगर वह ब्रह्म तो आप दिखा सको मुकुट और पीताम्बर से युक्त, तब तो हम मान लेंगे कि आपने बहुत अच्छी एक चित्र प्रतिमा हमें सौंपी है, और हम उसकी उपाय इसके लिए भी सौगंध खाते हैं, तो हम बिल्कुल सच में उसको भी। लेकिन तुम तो जिसकी बात कर रहे हो वो तो ऐसा लगता है कोई अदेह भूत है, हम तो साक्षात कृष्ण को उपासते हैं, हम उस इस ऐसा सर्वव्यापी कोई जो रूप बता रहे हो उससे तो हमें डर लग रहा है कि वो तो कोई भूत है, प्रेत है। तो इतनी बुरी तरह से खिसियाते हैं उद्धव कि अपनी टोकनी, अपना सामान लेकर सीधे लौट आते हैं और कृष्ण को आकर बताते हैं कि कृष्ण महाराज, उन गोपियों की आपके प्रति निष्ठा, समर्पण, भक्ति अबाध, उसको कोई नहीं बदल सकता। अब कितने मधुर शब्दों में, कितने व्यंग, इस मधुरता में भी व्यंग छिपा है, और उस व्यंग को हम समझते हैं कि कितने व्यंगपूर्ण ढंग से गोपिकाओं ने
ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर वापस लौटा दिया ताकि श्री कृष्ण तक संदेश पहुंच जाए उसकी। यह भक्ति ऐसी भक्ति नहीं है, यह प्रेमा भक्ति है। और ऐसी प्रेमा भक्ति जिसको जिस पर हिंदू भक्त कवियों ने नहीं, रसखान जैसे कवियों ने क्या कहा कि जो निर्गुण निराकार ज्ञानी पा नहीं सकते उसको छछिया भरी छांछ पे नचावत, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छांछ पे नाच नचावत। अब उसको सोचिए कि कितने सरल शब्दों में यह बता दिया कि ज्ञानी जंगल में बैठकर वनांचलों में रहकर कठोर तपस्या के द्वारा जिस ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, पाने की इच्छा रखे हुए हैं, उस ब्रह्म को ताही अहीर की छोहरिया, यह ग्वाल बालिकाओं ने छचिया भरी छाछ पे नाचो तो देंगे छाछ नचाया। यानी यह माधुर्य जो है जीवन का, कृष्ण के जीवन का यह माधुर्य सर्वाधिक आकर्षक, और यह आकर्षक आपके हमारे जैसे लोगों को ही जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आप उस अशिक्षित समाज की, उस पिछड़े हुए समाज की और इतने व्यापक स्तर पर भूतल पे फैले हुए समाज की मानसिक स्थिति का ख्याल कीजिए कि कैसा उनको रस आता है जब वह कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं, और उस लीनता में उन्होंने उस लीनता का एक उदाहरण घनानंद में भी देख लीजिए। या कौन सी पाठी पढ़े हो लला, मन ले हु पे देव छटाक नहीं। अरे कृष्ण के साथ ये भी कहा जा रहा है व्यंग कि मन तो लेते हो छटाक भर भी नहीं देते हो। मन और कैसा श्लेषात्मक वक्तव्य है ये, इस बात को समझना होगा श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की छवियों को, अलग अलग जो छवियां बनी है जनमानस में लोकमानस में, उनके पीछे उसका वो जो गुण है हम उसको आत्मसात करें। कि यह माधुर्य अगर जीवन में न होता तो आप सोच सकते हैं कि मध्य युग के उस अत्याचार और अन्यायों को सहते हुए भी यह हिंदू समाज जीवित और जागृत रह सका। नहीं तो कोई भी व्यक्ति निराश होकर विषाद में आकर सिवाय आत्महत्या करने के या धर्म परिवर्तन करा लेने के क्या कर सकता। लेकिन उन्होंने उन भक्त कवियों का यह अनमोल वह है कि वो यह अनमोल देन है उनकी कि उन्होंने पूरे जीवन को रसमय रखते हुए एक आराध्य ऐसा दिया जिसकी भक्ति में रस भी प्राप्त होता है और उस रस से यह विश्वास भी प्राप्त होता है कि तुम्हारा संरक्षण प्रभु करेंगे। और इस ये आस्था निरर्थक नहीं है, कृष्ण हर अवसर पर सहायता करते हैं। सुदामा उनके मित्र निर्धन ब्राह्मण उज्जैन में ही सांदीपनी आश्रम में उनके साथ पढ़े थे, उस सुदामा की मदद के लिए वो तैयार है। और उनकी सखी द्रौपदी उसकी सहायता के लिए भी चीरहरण के अवसर पर उसने स्मरण किया और श्री कृष्ण पहुंच गए। यह जो सर्वव्यापकता कृष्ण की है, यह सहायता करने का भाव जो है, दुष्टों को दल का दमन करके साधुओं को बचाने का, जिसमें कहा है ना कि परित्राणाय साधु नाम, मैं पुनः पुनः बार बार आता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य सदात्मानम सृजाम्यहम्। यह कोरा आश्वासन नहीं है, यह उनके जीवन में आप देख सकते हैं। इसलिए कृष्ण पर आस्था बड़ी प्रबल और प्रखर है। लेकिन मैं इसका अर्थ ये मैं नहीं कहना चाहता कि मैं कह रहा हूं कि कृष्ण भक्ति योग क्या ही प्रतीक है। उन्होंने उनका दूसरा रूप हमारे सामने आता है जो गीता में, जहां वे बौद्धिक श्रेष्ठता का ऐसा उदाहरण बन गए हैं कि आज दुनिया भर के बौद्धिक आज तक भी गीता पर भाष्य लिख रहे हैं, गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हजारों संतों के प्रवचनों को संग्रह देख लीजिए, हजारों गीता के भाष्य आप देख लीजिए, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न देशों में। उन सब में गीता पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दुनिया के किसी अन्य ग्रंथ के इतने भाष्य लिखे हैं क्या? कि इतना अनुवाद हुआ है क्या? क्यों कई लोग इसको गीता को प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी मानने लगे आज की दुनिया में? तो कुछ तो है कि विषाद से युक्त अर्जुन महाभारत के युद्ध में विषाद से युक्त हो जाता है, उसे मोह उत्पन्न होता है। क्या मोह है? सब आप जानते हैं कि ये मेरे भाई हैं, बिरादर हैं, और इसलिए मैं राज्य के लिए इन सब की हत्या करूं, मारूं इनको, या मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती। यह उसका साफ कहना था कि इससे तो मैं भिक्षा लेकर अपना जीवन निर्वाह करना पसंद करूंगा, ऐसे राज्य का मोह मुझे नहीं है। पर मोह राज्य का नहीं केवल नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, ये सब बातें आती हैं उसमें। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इस मोह से अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, या मोह तुम्हारे लिए इस समय जो तुम्हारे सामने कर्म उपस्थित है, उस समय तुम पर यह विषाद का आना बहुत बुरी बात है, गलत बात है। और आप देखिए कि गीता में जिस ढंग से कृष्ण ने अर्जुन का विषाद मिटाया, ठीक उसको समझकर महात्मा गांधी ने लिखा कि जब जब भी मेरे समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है तो मैं गीता के आश्रय लेता हूँ, गीता पढ़ता हूँ और फिर सो जाता हूँ और मुझे समाधान मिल जाता है। सिर्फ गांधी ही नहीं, भाई परमानंद जी अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा भुगत रहे थे, वहां उन्होंने गीता का मनन किया, उस पर उसका भाष्य लिखा, और वो स्वीकार करते हैं कि गीता ने मुझे फिर से जीवन की में जीने की शक्ति दिखाई, जबकि वो समझते थे कि सजा हो चुकी है, आजीवन सजा है, अब मैं शायद काला पानी से लौटकर अपने मातृभूमि नहीं के दर्शन नहीं कर सकता। यह समझ रहे थे निराश, उस हताशा में गीता के संदेश से वो आश्रय पाते हैं, तो उन्होंने पुस्तक ही लिखी है, मेरी आश्रय स्थली गीता। इसी तरह अनेक लोगों ने गीता के जो भाष्य किए हैं वो अनेक दृष्टियों से सामने आते हैं। कृष्ण अर्जुन को उस विषाद से निकालने के लिए जब सीधी बात नहीं मानता तब उसको फटकारते हैं और कहते हैं कि यह क्लीवता, यह तुझमें कैसे आ गई? और इस समय जबकि तू युद्ध के लिए तुझे तत्पर होना चाहिए, अब ये क्लीव शब्द का प्रयोग करके कृष्ण ने अर्जुन की सारी मानसिकता को बदल दिया। और तब कृष्ण के समक्ष वो पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं कि अब मुझे तो नहीं सूझ रहा है, आप ही बताओ कोई रास्ता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं इस मानसिकता से कैसे उबर सकता हूं, ये आप ही बताइए।
एक गुरु के पास अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको पूरे समर्पण के साथ जाना पड़ेगा, और वह समर्पण ऐसा हो उसमें निष्ठा होनी चाहिए, तब एकाग्र मन से गुरु के प्रति निष्ठा रखते हुए जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप सही मार्ग को स्वयं पालेंगे, आप आलोकित हो जाएंगे, क्योंकि यहीं पर ज्ञान के बाद कर्म, कर्म के बाद भक्ति की बात आती है। लेकिन वहां परेशानी यह होती है कि एक तरफ ज्ञानी को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, दूसरी तरफ कर्मयोगी को मानते हैं, और तीसरी तरफ भक्ति मार्गी को कहते हैं कि ये सबसे सरल तरीके से वो हम तक पहुंच जाते हैं। अब इस पर बहुत अनुमान लगाइए आप कि क्या केवल ज्ञान से हमारे आचरण सुधर जाते हैं? सोचिए जरा गंभीरता, क्या केवल साधना से हम अपने मन को में मन को इतना एकाग्र कर लेते हैं कि हम स्व में स्थित हो जाएं? ये भूमा क्या है? इस भूमा प्रदेश में पहुंचना भी कितना कठिन है, तो यह कुछ ही लोग कर सकते हैं, पर आवश्यकता यह है कि उसमें भी मन की सारी इच्छाओं को एक तरफ रख के और फिर हम ध्यान लगाएं। जब इच्छाएं नहीं होंगी तो मन खाली खाली होगा, जब खाली मन होगा तब आपकी एकाग्रता आएगी, उस एकाग्रता में आपको ब्रह्म के दर्शन होंगे, यही तो है ज्ञान मार्ग। लेकिन कर्मयोगी को भी उसी स्तर का रखते हैं वो, और वह कर्मयोगी भी आवश्यक क्या है, कर्म कब सधेगा? आपका ध्यान कहीं और है, आप काम कहीं कर रहे हैं, क्या वो काम अच्छा हो पाएगा? यह तो आप हम समझ सकते हैं। इसमें भी दिक्कत है कि यहाँ भी आवश्यकता यह है कि हम मन को खाली करें और पूरी तरह से उस काम के प्रति एकाग्र हों जो हम करने जा रहे हैं। तो यह एकाग्रता जब आती है तो कर्म के प्रति, लेकिन उसमें साथ एक शर्त वो जोड़ देते हैं, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह कर्म करिए लेकिन फल की आशा मत रखिए। पर यह कर्म करेगा क्यों आदमी अगर कोई फल की, जब तक फल की आशा ना हो तो कर्म में प्रवृत्त क्यों होगा? तो वही यही बात है कि यहाँ पर भी वो कहते हैं यह भी योग है, कर्म योग, और कर्म योग में भी आपको मन को खाली करके एकाग्र होना पड़ता है। इन दोनों एकाग्रताओं में कोई अंतर नहीं है, आप उस तक पहुंच जाते हैं जिसको आपने, जिसका लक्ष्य बनाया है। तब भक्ति योग की बात आती है। भक्ति योग क्या है? पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, बिना किसी फल की आशा किए, मैं सब कुछ तुझे समर्पित करता हूं। यह समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति में लय हो जाना। आज जो लोग ज्ञानी निर्गुण निराकार की उपासना की बात करते हैं, वे ब्रह्म को की व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ का एक सामान्य व्यक्ति भी कहेगा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है ऊपर वाले के हाथ में। ये ऊपर वाला कौन? इस ऊपर वाले को पाने की सबकी इच्छा होती है, और यह ऊपर वाला ही कहीं श्री कृष्ण के रूप में, कहीं शिव के रूप में, कहीं श्री राम के रूप में हमारे बीच प्रत्यक्ष निराकार को साकार बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है। यह कितनी बड़ी बात है। गीता में कृष्ण यह कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि भाई जी, ये जो मोह है इससे मुक्त हो, और अगर जीतेगा तो ये भौतिक जगत के सारे लाभ, राज्य का भोग तुझे मिलेगा, और अगर मर जाएगा तो तुझे स्वर्ग निश्चित रूप से मिलेगा।
कर्म करते हुए जो लोग मरते हैं वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, लोग उनका स्मरण करते हैं, लेकिन जो कर्म से पलायन कर जाते हैं लोग उन्हें स्मृति में नहीं रखते। लोक स्मृति में रहने के लिए कर्म भी साधना पड़ता है, ज्ञान योग भी साधना पड़ता है। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है ना, वैदिक मंत्र है, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतंगमय। यह जो ज्ञान के बिना अभाव में सद क्या है, असद क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कल्याणकारी क्या है, विध्वंसकारी क्या है, इसका जो भेद सब जागृत करे वह ज्ञान। तब आप, जब ज्ञान आएगा तो आप एकाग्र होंगे, तब आपको रास्ता सुझाई देगा। बिना ज्ञान के रास्ता टटोलेंगे बिना रोशनी के, इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। वह प्रकाश में ही आप रास्ता पा सकते हैं, ज्ञान के प्रकाश में रास्ता पाकर आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां मृत्योर मां अमृतंगमय, मृत्यु से अमृत अमरता की ओर। ये अमरता क्या है, विवेकानंद जी ने कहा था ना भारत के लिए अमृत पुत्रों संबोधन में, अमृत पुत्रों क्यों कहा, कि तुम्हारे पास वो अमृत मौजूद है, सांस्कृतिक अमृत, आध्यात्मिक अमृत, धार्मिक अमृत, जिसके ताकत पर आप कई बार गिरे हो और खड़े हुए हो, उसी तरह से आप गिरे हुई स्थिति से फिर उठकर फिर खड़े हो सकते हो और जगत का नेतृत्व कर सकते हो। यह आत्मविश्वास जगाने का जो काम विवेकानंद ने हमारे युग में किया, गांधी ने जो काम किया कर्मयोग से, जो हमारे भक्त कवियों ने किया मध्य युग में, वह काम असाधारण था और कृष्ण के व्यक्तित्व ने उस काम के लिए उत्प्रेरित किया। इसलिए श्री कृष्ण हम सबकी दृष्टि में बहुत पूज्य, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अवतारी पुरुष के रूप में, 16 कलाओं के पूर्ण अवतार के रूप में पूजित वंदित हैं। मैं इस अवसर पर केवल यह कहना चाहता हूं कि गीता को समझने के लिए विभिन्न भाष्यों से गुजरना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अपने विवेक को हमेशा जागृत रखना चाहिए। विवेक तभी जागृत रह सकता है जब हम कुछ निष्ठाओं के साथ खड़े हैं, कुछ निष्ठाओं के साथ एक कर्म में जुटे हैं। जो हमारा कर्म है हम उसी पर आगे बढ़ें, पहले निर्धारित करें कि यह कर्म सद का है या असत का है, अंधकार की ओर ले जाएगा प्रकाश की ओर ले जाएगा, यह करेंगे तो निश्चित रूप से हम अमर, फिर अमर होंगे। और कृष्ण ने गीता में पूर्व जन्म कर्म को जहाँ समझाया, वहीं जन्म जन्मांतर की भी बात की है, प्रारब्ध की भी बात की है। इन सब की विवेचना करने के लिए आज इतना बड़ा अवसर नहीं है कि इन सब की विवेचना की जाए, और आप तो उस पुण्य भूमि के लोग हैं जहाँ कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, उनकी दीक्षा स्थली में इस विषय पर तो कई विद्वान बहुत ज़्यादा गहराई से बात करने की क्षमता रखते हैं। उनके समक्ष मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ। इन शब्दों के साथ अंत में हम उस वैदिक मंत्र से इस अपनी बात का समापन करना चाहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।